जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पेज इंडस्ट्री। जो आप पेज इंडस्ट्री देखते हो, जिसमें मतलब कि उसका ब्रांड है एक जोकी, जोकी जो भी गारमेंट्स आते हैं इसके, तो उस बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे कि किस तरह के दो ब्रांड है उसके, उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट कब आएंगे उसको समझेंगे, और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कहाँ पर उसका एक मेजर सपोर्ट है, एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, कब इसका ब्रेकआउट हो सकता है, कितने लगभग अपन डिसाइड करेंगे कि कितने दिन और रुक सकता है, कितने महीने इस रेंज में रुक सकता है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये एक पेज एंट्री का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा था, फिर यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बना। आप देख सकते हो कि सेलिंग टीआरसीपी बियर सिंह सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, रेड ग्रीन का पैटर्न होता है और तीन का पेयर है, और फिर इसमें एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में एक रेंज के अंदर, डाउन ट्रेंड में अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न ही बन रहे हैं बार बार। ये एक 40,000 के लगभग एक इसका रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लेता है तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तब इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक डाउन ट्रेंड का ही चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसका एक मेजर सपोर्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था, ये देख सकते हो, ये लगभग ये रेजिस्टेंस था और इसने यहाँ पर दो तीन बार इसको सपोर्ट लिया। तो ये एक रेंज बनाई है, एग्जैक्ट देखो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक रेंज का एरिया हमने डिसाइड किया है, मतलब कि 1000, इसमें 35,400 से लेकर 35,800 के लगभग एक रेंज है। इस रेंज को पे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लगभग ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट किस लिए, पहले एक रेजिस्टेंस था और यहाँ से पहले सपोर्ट लिया, तो एक जोन बन गया जहाँ पर एक सपोर्ट की बाइंग मतलब कि बाइंग डिमांड आ सकती है यहाँ पर। अब इसको पहली चीज़ तो ये सपोर्ट केवल अब यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो सपोर्ट पर वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मंथली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करते हैं, तीन ही टाइम फ्रेम यूज में करते हैं, डेली वीकली और मंथली। तो वीकली डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में भी नहीं बना, ठीक है, प्रॉपर जैसे। और चीज़ें देखें, कोई भी जैसे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग रोजी स्टार फॉर्मेशन भी बन सकता है, अगर कोई हैमर बन जाए या बुलिश इनकल्पिंग बन जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो वो एक क्लियर आ जाता है। मॉर्निंग स्टार डोली इसमें क्या है कि थोड़ा सी कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी देखिए डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना हुआ है, एक मेजर सपोर्ट के पास में भी है, सपोर्ट में देखो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना है, और यहाँ से अब यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति है कि ये सपोर्ट यहाँ से लेगा या फिर बाद में यहाँ से लेगा, क्योंकि देखो जोन बना हुआ है तो सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है और यहाँ से भी या नीचे भी आ सकता है। तो अब अपने को डिसाइड करना पड़ा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम में बन चुके हैं, देखो बुलिश इनगल्फिंग टाइप के पैटर्न बनाए, ग्रेव स्टोन डोजी बनाए, लेकिन अगर मंथली टाइम फ्रेम में बन जाता तो यहाँ पर क्लियरिटी हो जाती कि हाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब एक अच्छा मूवमेंट थोड़ा बाउंस आ सकता है। मंथली टाइम फ्रेम में बना नहीं है तो थोड़ा वेट वॉच कर सकते हो, लेकिन वेट एंड वॉच कर सकते हो, थोड़ा सी इसको रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है इस रेंज में, यहाँ क्योंकि एक रेजिस्टेंस है इसका। रेजिस्टेंस किस लिए रेजिस्टेंस है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, स्ट्रेट लाइन को मैं ऊपर कर देता हूँ, ये एक देखो, ये यहाँ पर इसका सपोर्ट था पहले, ठीक है, ये इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पर, ठीक है, तो सपोर्ट लिया था तो वो एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अपने डाउन ट्रेंड में ही वही चीज़ें आ रही है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न एग्जैक्ट यहीं आ रहा है। तो मतलब 40,000 मतलब 40,000 को ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आने वाला मेरे हिसाब से, तो मेरे को चार्ट में यही दिखाई दे रहा है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में कोई बन जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, लेकिन और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश इनकल्पिंग भी पैटर्न भी बना हुआ, अब इसको हाई को 36 को पार करता है तो एक मतलब कि बाउंस आ सकता है, बाउंस आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन वही बात है, लेकिन आ जाता है, बट आ जाता है, क्योंकि ये रेंज फंसा हुआ है, रेंज को पार करना बहुत ज़रूरी है, इसको पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। थोड़ा सी चार्ट को अपन बाद में और समझने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। देखिए पेज इंडस्ट्री जो अगर बिजनेस मॉडल के बारे में, तो गारमेंट्स से ये टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, जो कि इसका मेन ब्रांड है, एक तो जोकी ब्रांड है जी, आप देख सकते हो इसके सारे जो प्रोडक्ट आते हैं यूज में करते हैं लोग, और स्पीडो, एक स्पीडो भी, ये स्पीडो ही इसका ब्रांड है। स्पीडो आप देख सकते हो कि जो स्विमिंग पूल जो कॉस्ट्यूम आते हैं उनमें ये मतलब का एक स्पीडो इसका कॉस्ट्यूम स्विमिंग पूल से रिलेटेड है, जो भी ये स्विमिंग करते हैं तो वो इनका ये ब्रांड पहनते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो ब्रांड है ज़्यादा।
अब इसका दो ही ब्रांड है। अब इसका देखिए फंडामेंटल देखते हैं कि किस तरह के इसके फंडामेंटल है। ये 1995 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। जोकी ब्रांड इसमें लिखा हुआ देखिए, जोकी पेज इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऑफ जोकी इंटरनेशनल फॉर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। एक सेकेंड थोड़ा सी और देखते हैं। हाँ, जोकी ब्रांड इज इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई। पेज इंडस्ट्रीज आल्सो एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऑफ स्पीडो इंटरनेशनल लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर स्पीडो ब्रांड इन इंडिया। ठीक है, दो ही चीज़ें और 40,000 के लगभग है। 40,000 इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 35,880 है। हाई गया इसका 42,885 है। लो गया 33 के लगभग। स्टॉक इसका ये 72-74 है। आरओसी इसका 53 है। आरओई इसका 46% है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। डिविडेंड भी थोड़ा देता है। ये इसका एक डाटा हो गया। अब देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट अभी देखिए देखिए मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट आया नहीं है। मैं मार्च का आपको दिखा देता हूँ। पेज इसकी देखिए मार्च का आएगा 23 मार्च को आप देख सकते हो कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, आया नहीं है। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ पहले दिसंबर का किस तरह से हैं किस तरह से आ सकते हैं वो देखेंगे। सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देखिए सितंबर दिसंबर इसका देख लेते हैं। जून का 12,35 था, 11,25 और 12,29 है। तो ऐसा लग रहा है देखिए इसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेट इस रेंज को देखोगे तो 30 से लेकर 40 तक आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और अदर इनकम का सोर्स है वो भी 2 से 6 हुआ है। तो नेट प्रॉफिट में आपको नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। कोई ज़्यादा कंसोलिडेट वाली मतलब प्रॉफिट वाली बात नहीं है। 50 से लेकर 60 तक ये रेंज बढ़ा। अब इसको तोड़ना चाहिए। अगर 70 आ गया, 170 या 80 आ गया तो इसमें एक बाउंस अच्छा आएगा। इसी रेंज में आ जाएगा तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट 50, अब एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट 150 से लेकर 160 के लगभग आ जाता है प्रॉफिट में तो कुछ भी मूवमेंट इसमें नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? चार्ट भी ये बोल रहा है कि रेंज में रह सकता है। अगर इसको इस रेंज में आ जाए तो इसमें कुछ मूवमेंट नहीं आएगा। अच्छा मूवमेंट आ जाए 80-90 के लगभग आ जाए तो बाउंस ये करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। वाई टू वाई देखेंगे तो वाई टू वाई में तो ज़्यादा मार्च का 23 का अभी आया नहीं है तो वो तो अभी देखेंगे नहीं। अब इसमें बैलेंस शीट देखते हैं। इस सितंबर का दिखाया है इसमें और सितंबर का इसको छोड़ देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में देखिए कितने 45% है। एफआईएच की 20% है। 25% डीआईएच की है और इसमें पब्लिक की होल्डिंग है 7% के लगभग। 84,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब बड़ा कैपिटल देखो सीधी सी बात है, इतना 35,000 का एक स्टॉक तो अपन लेंगे नहीं। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो ले लेते हैं। उनको क्या कि इसमें ज़्यादा अच्छा मूवमेंट, लेकिन चार्ट जिस तरह से बोलेगा वही तरह से होगा। जिसके पास कैपिटल मतलब कि ज़्यादा करोड़ों में तो वो बाद में इसमें अब एक शेयर का अपन लेके करेंगे क्या। ठीक है, 10-15 शेयर लेंगे तो फिर बाद में थोड़ा बहुत कुछ होगा। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि यहाँ लेवल अपने को जिस तरह से काम करता है और जो भी ले रखे हैं तो वो इस तरह से इसमें मेरे हिसाब से इस तरह से चार्ट में रीडिंग की जा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 40,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस। इसको पार करना जरिए, इसको पार कर लेता है दोनों कंडीशन है पार कर, क्वार्टरली रिजल्ट 150 से लेकर 180 तक 60 तक आ जाता है तो इसमें कुछ भी इस रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और अगर इसको ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आए तो अचानक आ जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए, अचानक तोड़ दे तो कुछ नहीं करना है। ब्रेकआउट कुल बैक पैटर्न आना चाहिए और जो रेजिस्टेंस ले रहा है उसमें बाइंग टीआरसीपी जो भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश इनकल्पिंग हैमर, बुलिश इनकल्पिंग के बाद बुलिश हरामी पैटर्न आता है, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, ये जो बाइंग बाइंग सैंडविच होता है जिस तरह से यहाँ पर सेलिंग सैंडविच बना है, बियरसिंग सैंडविच यहाँ बियरसिंग सैंडविच बना है तो बुलिश सैंडविच यहाँ बन जाता है। तो वो पॉसिबिलिटी बनती है कि कौन सी चार्ट में किस तरह से बनती है वो अपने को ध्यान। मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच कर सकते हो। थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं इसके, उसका वेट कर सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आएंगे उसको अपन देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर इस तरह से आते हैं तो वो अपने को ध्यान में रह सकते हैं। 23 मार्च को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है तो इस तरह से रणनीति बना सकते हैं। वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो बिजनेस मॉडल ठीक है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल का तरह से है, लेकिन इसका ब्रांड भी है, एक अच्छा शानदार ब्रांड है दोनों जोकी और स्पीडो का। अलग अलग मतलब के शेयर सेक्टर कह सकते हो, सेक्टर तो सेम है लेकिन अलग अलग टाइप का है। एक अंडर गारमेंट्स है, ये दूसरा जो स्पीडो है वो दूसरा मतलब स्विमिंग से रिलेटेड है तो वो अलग एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल टाइप का हो जाता है। और फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है, रेंज को अगर रहेगा तो कंसोलिडेट कर सकता है, उसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 14,000 को अगर ब्रेक करता है तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, फिर बाद में इसमें चाल आपको दिखाई दे सकती है 53 तक इसको हाई को भी तोड़ सकता है। रेजिस्टेंस एक बार इसको पार करने के बाद में एक बार रेजिस्टेंस आपको ये मिलेगा 45 के लगभग और फिर बाद में 52 जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है।
इस तरह से इसका वीडियो को कंक्लूजन है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।